स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की सेमेस्टर एग्ज़ाम्स इसी अगस्त माह में प्रारंभ होने हैं, जिसमें से बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने टूल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीएनसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कहता है टेप रीडर इज ए, मतलब टेप रीडर हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है? तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टेप रीडर होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तो टेप रीडर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम इज ए, जो हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा क्या है? फिक्स्ड ऑटोमेशन है या प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है या ऑप्शन नंबर चौथा दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है पार्ट प्रोग्राम इज इन, जो हमारा पार्ट प्रोग्राम है उसमें होता है नंबर फॉर्मेट, सिंबल फॉर्मेट, अल्फ़ाबेट फॉर्मेट और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा ऑल ऑफ दीज का। तो जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग होती है वो इन तीनों के थ्रू होती है, नंबर फॉर्मेट से भी होती है, सिंबल फॉर्मेट से भी होती है और अल्फ़ाबेट फॉर्मेट से भी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। Which is one way communication? पहला ऑप्शन दिया है ओपन लूप एनसी, दूसरा है क्लोज्ड लूप एनसी, तीसरा ऑप्शन दिया है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वह हमारा ओपन लूप एनसी में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ओपन लूप एनसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है फ्लॉपी डिस्क इज ए, पूछ रहा है फ्लॉपी डिस्क हमारी कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वह हमारी मैग्नेटिक डिवाइस होती है। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मैग्नेटिक डिवाइस। तो फ्लॉपी डिस्क इज ए मैग्नेटिक डिवाइस। एक चीज़ बता दूं, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पर बगल में एक बगीचा है, तो वहाँ जिसके कारण पक्षियों की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कैपेसिटी ऑफ सीडी इज, जो हमारी सीडी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया है 70 MB, सेकेंड है 7 GB, तीसरा है 700 MB और चौथा ऑप्शन दिया है 70 GB। तो जो हमारा सीडी होती है, सीडी की कैपेसिटी हमारी 700 MB की होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 700 MB। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है वेट ऑफ DVD इज, जो हमारा DVD होती है उसका वेट कितना होता है? तो जो हमारी DVD होती है उसका वेट हमारा 16 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 16 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है ब्रेन ऑफ NC मशीन, ब्रेन ऑफ NC मशीन इज नोन एज, पहला दिया है मैकेनिकल कंपाउंड यूनिट, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मशीन कंट्रोल सिस्टम, चौथा दिया है मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूनिट। तो जो हमारा
एनसी मशीन का ब्रेन होता है वह हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। तो जो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट होता है उसको एनसी मशीन का ब्रेन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेन वर्क ऑफ बीपीयू इज, जो हमारा बीपीयू होता है उसका मेन वर्क क्या है। पहला ऑप्शन दिया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम, पार्ट प्रोग्राम को तैयार करना। फॉर इनकोडिंग पार्ट प्रोग्राम, जो हमारा पार्ट प्रोग्राम है इसको इनकोड करना। तीसरा ऑप्शन दिया है फॉर कंट्रोलिंग पार्ट प्रोग्राम, जो हमने पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार की है उसको कंट्रोल करना। और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हमारा बीपीयू का मेन काम होता है वह होता है फॉर इनकोडिंग पार्ट प्रोग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेन वेट ऑफ डीवीडी इज, जो हमारा डीवीडी का ग्रेन वेट होता है वह आपका 240 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनसी, जो हमारी डीएनसी है, एक हमारी सीएनसी होती है, दूसरा एनसी होती है, उसी तरीके से एक डीएनसी भी आती है मशीन। तो डीएनसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन का सेट होता है वो हमारा पार्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज पार्ट प्रोग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पार्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट लिंक्ड विद ईच अदर एंड देयर इज नो फीडबैक डिवाइस इन दिस सिस्टम इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है यदि इनपुट और आउटपुट दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, ठीक है, और एंड देयर इज नो फीडबैक डिवाइस, और वहाँ पर कोई फीडबैक डिवाइस भी नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसे सिस्टम को ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल, ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच मटेरियल आर यूज्ड इन एमआरओ मशीन, जो हमारी एमआरओ मशीन है उसमें कौन सा मटेरियल यूज्ड करते हैं। तो एमआरओ मशीन में हम लोग एचएसएस यूज करते हैं, हाई स्पीड स्टील। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच इज नोन एज डिटेक्टर, जो हमारा डिटेक्टर होता है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को कहते हैं हम लोग। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इज आल्सो नोन एज डिटेक्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेंज ऑफ सेंसर इज, जो हमारा सेंसर होता है उसकी रेंज कितनी होती है। तो सेंसर की रेंज -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -80 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, मतलब -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 80 डिग्री तापमान तक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 17 की ओर। एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम, जो हमारा ओपन लूप सिस्टम है उसका एग्जांपल कौन सा है। पहला दिया है एम्पलीफायर, दूसरा है लिंकेज, तीसरा है फिल्टर, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे जितने भी दिए हैं ये सारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा आपको होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये आपका कंट्रोल सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
दूसरा सही हो जाएगा टू टाइप्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कोड G64 इज यूज्ड टू, जो हमारा जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो हम लोग कोड G64 यूज्ड करते हैं उसका मतलब क्या है। तो जो हमारा G64 हम लोग कोड यूज करते हैं उस कोड का, इस कोड का यूज है जो हम लोग फीड रेट होती है उसको चेंज करने के लिए हम लोग G64 का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, चेंज फीड रेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कोड M05 इज यूज टू, जो हमारा कोड M05 है, M05 ये किसके लिए यूज होता है। तो जो हमारा M05 है यह है आपका स्पिंडल स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। यदि आपका मशीन का स्पिंडल रोटेट है चल रहा है और हमें उसको स्टॉप करना है, ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग करते समय ध्यान देंगे कि हमें कितनी देर बाद स्पिंडल को स्टॉप करना है, ठीक उतने ही टाइम के बाद हम लोग स्टॉप करने के लिए, स्पिंडल को रोकने के लिए ये कोड यूज करेंगे M05, और हमारा स्पिंडल मशीन का रुक जाएगा। तो M05 हमारा स्पिंडल स्टॉप के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।